அவர்களது உடலில் மோசமான காயங்கள். लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक टू में प्रवेश कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक वन हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले।
केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस